नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैंने लगभग एक महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन दोस्तों अब से मैं रेगुलर होने के ट्राई करूंगा। दोस्तों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। जैसे कि आपने देखा कि हमने परसेंटेज का दो वीडियो डाल दिया है और लगभग दो तीन वीडियो में परसेंटेज चैप्टर ख़त्म हो जाएगी और उसका एक वीडियो मैं आज रात को डाल दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, जो पहले थे और जो प्रेजेंट हैं, उनके बारे में, साथ में कुछ वोमेन मिनिस्टर्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हर एक एग्ज़ाम में लगभग एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वो चाहे रेल का हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया का पहला प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से हैं, और जो प्रेजेंट में है उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों, साथ में एक बात तो हम जान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेसिडेंट हैं वो बिहार से हुए हैं। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, इंडिया का पहला वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रेजेंट में हैं वेंकैया नायडू। दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले तो वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में वो प्रेसिडेंट हुए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के बाद प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं। इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू और प्रेजेंट में है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, मोदी जी को आप सभी तो जानते हैं। और डेपुटी पीएम यानी कि डेपुटी प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे वो है हमारे आयरन मैन लोह मानव वल्लभ भाई पटेल। और जो लास्ट है वो 2004 में एंड कर दी गई है इस पद को, जो लास्ट थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों, डेपुटी पीएम जो है वो पीएम की एब्सेंस में पीएम का कार्यभार संभालते थे, लेकिन अब वो काम पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता है। और होम मिनिस्टर, हमारा पहला होम मिनिस्टर थे वही वल्लभ भाई पटेल जी, लेकिन प्रेजेंट में हैं राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया का पहला डिफेंस मिनिस्टर है बलदेव सिंह और वर्तमान में है निर्मला सीतारामन। इंडिया का पहला हेल्थ मिनिस्टर है राजकुमारी अमृता कौर और वर्तमान में है जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। इंडिया का पहला एडुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और प्रेजेंट में है प्रकाश जावेदकर। दोस्तों, ये पद तो पहले एडुकेशन मिनिस्टर था, लेकिन वर्तमान में इसे एचआरडी मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर की पद कर दी गई है। रेल मिनिस्टर, इंडिया का पहला रेल मिनिस्टर थे जॉन माथाई और वर्तमान में है पीयूष गोयल। फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया का फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के सनुक्खम चेट्टी, लेकिन प्रेजेंट में है अरुण जेटली। दोस्तों, अरुण जेटली की तबीयत खराब होने की वजह से अब वो दायित्वभार पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो हमें अरुण जेटली ही लिखना पड़ेगा। स्पीकर, इंडिया का पहला स्पीकर है जी वी माभालंकर यानी कि गणेश वासुदेव माभालंकर और वर्तमान में है सुमित्रा महाजन। डेपुटी स्पीकर, इंडिया का पहला डेपुटी स्पीकर थे एम ए आयनगर और वर्तमान में है एम थंबुदुराई। अब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पहले थे वो थे सुकुमार सेन और अब प्रेजेंट में है सुनील अरोरा। दोस्तों, हमारे जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी, लेकिन प्रेजेंट में है वाई वी रेड्डी। दोस्तों, यहाँ पर तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि वाई वी रेड्डी जो 14th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन है वो 2015 से 20 साल तक ही है, और अब से ही सिलेक्ट हो गया है कि 2020 से 25 साल तक यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन है वो है एन के सिंह जी। दोस्तों, जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप ज़रूर देख लेना कि वहाँ पर कौन सा ईयर मेंशन है। अगर कोई भी ईयर मेंशन नहीं है
और आपका 2020 में या 19 में कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर आपको वाई वी रेड्डी ही लिखना पड़ेगा। अब आते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही थे हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और प्रेजेंट में तो है वेंकैया नायडू। अब आते हैं डेपुटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दोस्तों जो फर्स्ट डेपुटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे, लेकिन प्रेजेंट में है हरिवंश नारायण सिंह। अब दोस्तों बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। दोस्तों प्रेजेंट में तो है राजन गोगोई, जो हमारे 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और वो आसाम से हैं। लेकिन पहले यहाँ पर तो आपको एक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा, अगर वहाँ पर ऑप्शन सर एलिजा इम्फे हैं तो उसे ज़रूर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एजे कानिया जो इंडियन है लेकिन वो बाद में आए हैं, उनसे पहले सर एलिजा इम्फे थे। अगर वहाँ पर लिखा गया कि फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो फिर आपको एजे कानिया लिखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर अगर सिर्फ यही बोलते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो आपको वहाँ पर सर एलिजा इम्फे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि इंडिया के जो पहले मिनिस्टर्स थे। दोस्तों इंडिया के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो थे मीरा कुमारी। इंडिया का फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट थे प्रतिभा देवी सिंह पटेल। और दोस्तों इंडिया का जो पहला वोमेन प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इंदिरा गांधी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के बेटी हैं। इंडिया का पहला गवर्नर, दोस्तों इंडिया का तो गवर्नर नहीं होता है, लेकिन अगर कोई भी स्टेट में पहला जो वोमेन गवर्नर थे वो थे सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर थे। और दोस्तों जो पहला सीएम है वो भी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से ही है, वो है पहला सीएम। इंडिया के कोई भी स्टेट में आप देखेंगे तो पहला सीएम हुए थे सुचेता कृपलानी जी। और अगर ये बोला जाता कि इंडिया का पहला मिनिस्टर कौन था, वो थे विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों इसी तरह आपको अब से लगभग हर दिन जीके और मैथ्स के वीडियो इस चैनल पर मिलेगा, जो कि आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने हमारा जो परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखा वो आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और आज ही हम परसेंटेज के और भी कुछ वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।